अरे यार कितनी भारी हो तुम। आखिरकार तुमसे मैं छुटकारा पा रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम इतनी खुश मत हो बहन। मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पाओगे। मुझे एक नॉर्मल उदास बहन चाहिए, ये रेनबो जैसी टट्टू नहीं। मैं तुम्हारी फोटो फेंक दूंगी। तो मैं भी तुम्हारी फेंक दूंगी। नो, इधर आओ। मैं तुम्हारी रोज रोज की बहस से थक चुकी हूँ। तुम्हें अलग अलग परिवारों में रहने की जरूरत है। गुट्टी, मैं एक लड़की गोद लेना चाहती हूँ। नहीं, मुझे एक लड़की को गोद लेना है। कितने भाग्यशाली बताइए, हमारे पास दो हैं, आप चुन सकते हैं। क्या? यही। लेकिन ये कुछ उदास सी लगती है। मुझे वो पसंद नहीं आई, तो मैं ले जाऊंगा उसे जो कि ज्यादा चेयरफुल है। मुझे ये पसंद आई है। तुम रंगीन लड़की, आ जाओ मेरे साथ आओ। और तुम मेरे साथ चलो। हम दोनों के लिए एक दिल। अब हम बहस नहीं करेंगे, मैं वादा करती हूँ, प्लीज हमें अलग मत करो। उन्हें यहाँ से अभी के अभी ले जाओ, वो एक साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। देखो मैं यहाँ पर रहती हूँ, अब से ये तुम्हारा भी घर है। वाओ, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं दुखी हूँ कि किटी यहाँ नहीं है। देखो मेरे पास कितने रंगीन कपड़े हैं, इसमें से तुम कुछ भी चुन सकती हो। ऊपर ऐसे कपड़ों की पूरी अलमारी रखी हुई है, इस बारे में क्या ख्याल है? और ये माँ, ये कितना कमाल है, सब कुछ एक रेनबो जैसा है। अब हम लोग मेरा फेवरेट टीवी शो वाइल्ड रोज देखने वाले हैं। वो देखो कितना हैंडसम एक्टर आया है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ देखो, देखना अब वो लोग किस करेंगे। वाओ, मेरी माँ को सोप ओपेरा देखना बहुत पसंद है। ये माँ, मैं घर देखना चाहती हूँ। हाँ वहाँ कौन है? हेलो मेरी बहन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, कैसी हो? हेलो, मेरी माँ बहुत अच्छी है, उन्हें सब रेनबो चीजें पसंद है मेरी तरह। अच्छा, मैंने अपनी जान तुम्हारे लिए जोखिम में डाली और तुम मुझे अपनी माँ के बारे में बता रही हो? मैं जानती थी तुम बहुत सेल्फिश हो। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें ढूंढने के लिए घर से भाग आई, पूरे शहर में तुम्हें ढूंढा और तुम ऐसी हो? ईवा, वहाँ क्या चल रहा है बेटा, जल्दी वापस आओ, देखो वो फिर से हैंडसम लड़का दिखा रहे हैं। सॉरी, मुझे जाना होगा। भूल जाऊंगी तुम्हें, जा रही हूँ मैं, इससे पहले कि मेरे पापा पुलिस बुला ले और तुम्हारी वजह से मैं गिरफ्तार हो जाऊं। ओ किटी, परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, उसे जाने दो। हे भगवान, इन्हें तो पता भी नहीं चला मैं गायब थी। हे बेटी, अपना मुंह क्यों लटका रखा है तुमने? ये लो मेरी गाजर काटने में मदद करो तुम। पापा, क्या कह रहे हो, आप खाना बनाना नहीं चाहते? तो क्या मुझे काटना आना चाहिए? आप फनी हो पापा। मैं तो तंग आ गई हूँ, अपना ध्यान भटकाना होगा। अरे ये क्या कर रहे हो, इसको पहले तोड़ते हैं। ओह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और अब तक मैं सोच रहा था कि मेरे दांत क्यों टूट जाते हैं अंडा खा के। भगवान, ये अकेले कैसे रहते हैं, पूरे नादान है ये। चलो खुश भी हो जाओ, ऐसे सैड मत रहो। मैं हमेशा ऐसी रहती हूँ, मुझे उदासी और काला रंग पसंद है। मैं जानता हूँ कि तुम असल में इतनी अकड़ू नहीं हो,
बस तुम ऐसा होने का नाटक करती हो। तुम्हारे आने से मुझे कितनी खुशी हो रही है। अरे अंडे चल रहे हैं। अरे तेरी तो ये भगवान, इनके लिए जल्द ही बीवी ढूंढनी होगी। वाह माँ, आप क्या कर रही हैं? ये बड़ी कैंची क्या आपकी है? हाँ, मैं अपने एक्स हस्बैंड की फोटो काट रही हूँ। क्यों आप अचानक से इतनी परेशान क्यों हो गई? हाँ मैं थक गई हूँ। मेरे आसपास की सारी चीजें मुझे याद दिलाती हैं कि मैं अकेली हूँ। मैं बाहर नहीं छेड़ सकती, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है। ये सब कितना बुरा है, ये सब कितना बुरा है। माँ तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं इंद्रधनुष को काटने वाली हूँ। तुम्हें ये कहाँ से मिला माँ? ये मेरे कमरे में था, तुमने इसे क्यों काटा माँ? इसे मत छुओ। दुनिया में कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं दुख में पागल हो जाऊँ। क्या ये सच में पागल है? खैर मैं भी। मुझे किटी की याद आ रही है, उसका रोना कितना अजीब था। मुझे उसे फोन करना चाहिए। हेलो। हाय किटी, कैसी हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आखिरकार तुम्हें एहसास हुआ? पिछली बार के लिए सॉरी, हमारी बातचीत अच्छी नहीं रही। मुझे तुम्हारी सच में बहुत याद आ रही है। मुझे भी। सुनो, तुम मुझे नॉर्मल फोन पे कॉल करोगी? मैं यहाँ पता नहीं कब मैं क्यों बातें कर रही हूँ। क्या ये बेहतर है? काफी बेहतर। क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? माँ पागल हो गई है, वो एक साइको है, लेकिन मैं हर चीज को पॉजिटिव ढंग से देखने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ मेरे पापा कुछ भी नहीं कर सकते, पता नहीं आज तक जिंदा कैसे रहे हैं। ये बहुत बुरा है। लो फिर से नाटक शुरू। शांत हो जाओ। ठीक है, बहुत हो गया, अब हमें सच में मिलने की जरूरत है। हाँ केजी, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत। देखो मैंने ये रॉकेट उतारा भी नहीं। मैंने भी नहीं। चलो बैठते हैं। वाह कितना अच्छा है ना, जब हम दोनों लड़ते नहीं है। मेरे पापा तो अकेलेपन से जल्द ही पागल हो जाएंगे, उनको तो ये भी नहीं पता कि माइक्रोवेव कैसे यूज करें। ठीक है, रोना पीटना बहुत हुआ, ये बहुत बुरा भी नहीं है। ये लो, भूख लगी होगी ना? मुझे ये नहीं चाहिए। हम दोनों के लिए एक दिल? बिल्कुल। बाकी सब भूल जाओ। मेरी माँ अपने पति को तलाक देने के बाद थोड़ी सी पागल हो गई है, उन्होंने उसकी सारी तस्वीरें आधी काट दी। अरे वो भी तो दुखी होंगी ना, हम लोग क्या करें, हमारे मम्मी पापा हमेशा अकेले और दुखी रहेंगे। अरे अरे बस करो, कोई दुखी नहीं होगा। ओह मुझे एक आइडिया मिला है, अगर वो दोनों अकेले हैं तो आओ उन्हें मिला दे। क्या ईवा, मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। ठीक है तैयार हो जाओ, अब हम दोनों घर जाएंगे और इस पर काम शुरू करेंगे। हमें कोई प्लान बनाना होगा। आज रात तुम मुझे कॉल करना, सब डिस्कस करेंगे। बाय सिस। ये बाय। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा कोई सीक्रेट चाहने वाला भी है। पर ये क्या, इसे तो डेट की स्पेलिंग भी नहीं लिखनी आती है, गलत लिखी है। वो शायद बहुत जल्दी में था। चलो आपकी ड्रेस चुनते हैं। इन रंगों के बारे में क्या ख्याल है? हाँ खिला हुआ। हाँ मुझे ये वाला बहुत पसंद है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कुछ जॉयफुल देखते हैं। ईवा क्या हो रहा है?
सब ठीक है, मैंने उन्हें लव लेटर भेजा और अब उन्हें लगता है कि उनका कोई चाहने वाला है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? अरे क्या हो गया, वो चिल्ला क्यों रही है? अरे वो फिर गुस्से में है, वो हमेशा पॉजिटिव माहौल को बर्बाद कर देती है। हम बाद में बात करेंगे। माँ माँ क्या हुआ है? इसने मुझे मोटा कैसे कहा? ये बिल्कुल सच नहीं है, मैंने बस बड़ा साइज सजेस्ट किया, बस इतना ही। माँ बस बस आप ये पहनोगी, आपके लिए एक इवेंट सोची हुई है। गुड बाय, लड़ाई के लिए सॉरी। चलो माँ, चलो चलो माँ। हेलो डैड, आपके लिए एक अच्छी खबर है। कैच, अच्छा क्या हो गया बताओ? एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत और इंटेलिजेंट औरत ने आपको डेट पर बुलाया है, खुश हो? तुम्हें ये सब कैसे पता है? सीक्रेट है, अब जल्दी तैयार हो जाओ इससे पहले कि वो अपना मन बदले। ओह जीसस, मुझे क्या पहनना चाहिए? मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। आपके लिए कुछ ढूंढ लेंगे। नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं। ये क्या बकवास है, आप इस तरह तैयार होके जाएंगे? मुझ पर यकीन करो, आपको मैं स्टाइलिश और जवान बनाऊंगी। ये हुई ना बात, ओ काफी सही लग रहे हो। क्या तुम्हें पक्का पता है कि लोग ऐसे ही कपड़े पहन के डेट पे जाते हैं? बिल्कुल, मुझे यकीन है वो आपकी इनर ब्यूटी और घायल आत्मा को देखेगी। हे, जल्दी करो, हमें निकलना होगा, पहले ही लेट हो चुके हैं। मैं इसमें कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कोई फ्यूनरल पर थोड़ी जा रहा हूँ। अरे मैं रोज ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, अब जल्दी करो निकलो चलो। क्या सब तैयार है? हाँ हाँ, मेरे पापा बड़े अलौकिक दिखते हैं। उम्मीद है कि तुमने अपनी उदासी में गड़बड़ नहीं की होगी। मेरी माँ को एक बहुत प्यारी डेट की जरूरत है। कोई आ रहा लगता है। उम्मीद करता हूँ कि वो औरत ज्यादा प्यारी होगी। तुम भला कौन हो? मुझे याद आ गया, हम अनाथालय में मिले थे। और भला तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने किसी डेट पर तो नहीं बुलाया? मैंने ये तुमसे कभी भी नहीं पूछा बेवकूफ। तुम मुझे एक लाश की तरह लगते हो। और तुम एक पोपट की तरह लगती हो। तुम्हारी तो ये लो, बाहर में जाओ। अबे तेरी माँ का, ये हमने क्या कर डाला? मुझे लगता है कि बड़े लोग ऐसे ही प्यार दिखाते हैं, है ना? अरे बेवकूफ, वो लड़ रहे हैं। अब बस करो, चलो चलते हैं नीच। अब तुम भला शांत भी होगी? गवार! बाप रे, लगता है वो गुस्सा हो गई है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ऐसी गधी के साथ कहीं ना जाऊं, मैं घर जाकर 100 पेपर के प्लेन बना के उड़ा दूंगा। तुमने उन्हें जाहिर की तरह क्यों तैयार किया? तुमने अपनी माँ को एक बेवकूफ की तरह कपड़े पहनाए थे और अब वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। तुम अपने आप को देखो, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि जैसे कब्रिस्तान में रहती हो। और तुम सर्कस में, तू। ओ ठीक है, जरा दूसरे ढंग से हम सोचते हैं। इस डेट का कोई मतलब नहीं, उनके पास अभी भी मौका है। सीरियसली, ये तो तबाही थी। ओ रोना धोना बंद करो, मेरे पास एक आइडिया है, चलो चले। प्लान ये है कि तुम माँ का बटुआ चुराओगी, मैं तुम्हारे पापा को फोन करूंगी और वो उन्हें बचाएंगे, क्या ख्याल है? मैं क्यों चुराऊं, मुझे जेल में डाल देंगे वो। ओह सॉरी, अगर वो ऐसा करेंगे तो वो तुम्हें एक अंधेरी उदास कोठरी में बंद कर देंगे। तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए था ना। चलो अब तुम इसे पहन लो, वो जल्द ही आने वाली है। सुनो, समय आ गया है। रुक जाओ, ये एक डकैती है। सुनो, अपने अपने सारे पैसे और चिंगम मुझे दे दो और यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से।
सुनी नहीं क्या मेरी बात तुमने? क्या दिन आ गए हैं भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये ले जाओ। उन्होंने सच में यकीन कर लिया। अरे नहीं, क्या हुआ? माँ चिंता मत करो, मुझे लूट लिया गया है। मैं क्या करूँगी, मैं कैसे जीऊंगी? माँ माँ चिंता मत करो, मैं अभी मदद के लिए फोन करूँगी। मदद, मेरी माँ की मदद कीजिए। क्या हो गया? एक चोर ने मेरी माँ का बटुआ चुरा लिया, वो रहा वो। मैं इसे अभी पकड़ूंगा और उसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। अब रुक जा साले, तेरी। हाँ, उसे पकड़ो। मैंने चोर को पकड़ लिया है। लीजिए मैडम आपका पर्स। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे बहुत दुख है कि मैंने पास्ता मारा तुम्हें उस दिन, पर तुम वैसे इतने भी बुरे नहीं हो। आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। चलो अब इस चोर का चेहरा तो देख ले जरा। हाँ जरा दिखाओ तो सही। क्या? अब हम सब समझा देंगे। ओ, हम तो बस आपको मिलाना चाहते थे। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं था, तुमने तो मुझे पागल ही कर दिया था। तुम लोग मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ, मैं अब जा रही हूँ। चलो बात करें। चलो चलें। जब मम्मी पापा बात कर रहे थे तो तुम भागे क्यों नहीं? उन्होंने लगभग एक दूसरे को माफ कर दिया था। तुम्हारे लिए कहना आसान है, पापा मुझे पकड़े थे। और तुमने डेट पर भी सब खराब कर दिया था, उन्हें जाहिर की तरह कपड़े पहनाए। और तुम्हारी माँ एक नंबर की साइको है, समझ गई? तुमने दिमाग खराब कर दिया, तुम एक रोतड़ू हो। तुम हमेशा शिकायत करती हो, शायद हम साथ में नहीं रह सकते। ओह सच में, तुम हमेशा हर चीज से खुश रहती हो। तुम लोगों की चिंता करना और फीलिंग्स को फील करना नहीं जानती। मुझे तुम्हारी चिंता है मूर्ख, और तुमने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की। तुम अब मेरे लिए बहन नहीं हो। समझ गई मैं हमेशा से जानती थी तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बढ़िया है, अब हमारा कोई मैच नहीं। बिल्कुल, बाहर में जाओ। माँ आप क्या कर रही हो? मेरी चीजें वहाँ थी। मुझे अब पुराना सारा सामान फेंक कर छुटकारा पाना है, जाने दो। वो क्या बात कर रही है, मेरे सारे कपड़े तो यहाँ है। माँ ये क्या है? मुझे इस कूड़े के ढेर में बहुत सारी छोटी मोटी चीजें मिली है इंटीरियर को सजाने के लिए। कूड़े का ढेर? लगता है वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। अच्छा तो मैं इसे कहाँ पर रखूँ? वहाँ पर रख दो जरा। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया। माँ ये कौन है? अरे ये मेरे नए दोस्त हैं। हम लोग कूड़ेदान के पास मिले थे, पर ये लोग बहुत ही शानदार हैं। बस अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं किटी को जोर से कॉल करना चाहती हूँ। अरे ए, ए, आप क्या कर रही हैं ये? ये कबाड़ इकट्ठा करना बंद करो, हमें पुराना सारा सामान बाहर फेंक कर अतीत में जीना बंद करना होगा। मेरी किटी, मुझे तुम्हारी अभी भी याद आती है। अरे नहीं, मैं अब भी गुस्सा हूँ, मैं उसके बिना संभाल लूंगी। तो, ये तो परफेक्ट है। अरे हट यार, ये बकवास काम कैसे करती है? किटी मेरी मदद करो। आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो। वाह थैंक्स किटी, तुम तो जीनियस हो टेक्नोलॉजी के मामले में। एकदम थक चुकी हूँ मैं इससे, पापा मेरे बिना कुछ कर ही नहीं सकते। और ईवा से मेरा झगड़ा भी हो गया, कल हमारा बर्थडे है और हम अलग हैं। ये सब पहली बार होगा जब हम साथ नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं अपना बर्थडे किटी के साथ बिताना चाहती हूँ। मैं अपना बर्थडे ईवा के साथ मनाना चाहती हूँ।
हेलो, गुड इवनिंग, मैं आपकी क्या मदद करूं? अरे मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। देखिए बात ऐसी है किटी, सच में ईवा के साथ अपना बर्थडे स्पेंड करना चाहती है। हाँ, ईवा भी तो किटी के साथ रहना चाहती है। चलिए वादा करते हैं कि हम एक दिन तक बिना लड़े रह लेंगे और लड़कियों को खुशी से रहने देंगे। जरूर, कल का दिन तो जादुई दिन ही होगा। मेरे फोन पर दूसरी तरफ से कॉल आ रही है, तो कल मिलते हैं। आपका दिन अच्छा रहे। कितना अजीब है, भला ये कौन है जो इस समय कॉल कर सकता है? हेलो हेलो, मैं सारियट सलेट बोल रहा हूँ, आपको कल एक जॉब मिलने वाली है। क्या हुआ? देखिए आपको हम एक नई जॉब देंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब छोड़ के कल आना होगा। क्या इतनी जल्दी? लेकिन कल मेरी बेटी का बर्थडे है। चलिए बढ़िया, तो बिटिया के साथ मजे कीजिए, जॉब अब आपके बस की नहीं है मैडम। क्या आप मुझे सभी को गुड बाय कहने और अपना सामान पैक करने के लिए कम से कम कुछ दिन का समय दे सकते हैं? देखिए मैडम, इतने टाइम में तो हम किसी और को ढूंढ लेंगे। समझ गई, किसी और को रखने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। चलो फिर ठीक है, मैं आपको कल फोन करूंगा, शायद आपका दिमाग बदल जाए। ऑल द बेस्ट मैडम। हाँ ऑल द बेस्ट। अब मैं क्या करूँ, मैं ईवा को कैसे बताऊं कि वो अपनी बहन से नहीं मिल पाएगी? एक काम करती हूँ, मैं ईवा को उसके बर्थडे के बाद बताती हूँ, ताकि दोनों आखिरी समय खुशी खुशी तो मिल लें। ज़ैच, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या आपने स्कूल में फिजिक्स नहीं पढ़ा था मैडम? अरे चिपक जाएगा, बहुत बढ़िया चीज बनेगी, देखिए। अरे ये गलत हो गया। वो अपने घर की मशीनों को तो ठीक से समझ जाए। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ एंटरटेनर्स बुलाए हैं, वो बस आते ही होंगे। ठीक है जाओ, तुम दोनों डांस करो अभी। ये कमाल है, एक परफेक्ट कपल। क्रिस्टी, तुम्हारे एंटरटेनर्स कहाँ पर है और कितना रुकना पड़ेगा हमें? अरे सर रुको, वो बस आते ही होंगे। क्या मतलब है आपका, वो 2 घंटे देर से आएंगे? अरे हमारी पार्टी चल रही है। और ये लो मैं आ गया। चलो मजे करें। ये तो कुछ जानी पहचानी सी आवाज है। मैंने सोचा उनकी मदद कर दूं, बच्चे बैठे बैठे बोर हो रहे थे ना। तुम बहुत अच्छे हो, एक असली पिता की तरह। देखो एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा रहे हैं, वो करीब आ रहे हैं। पार्टी के लिए शुक्रिया, ये बहुत बढ़िया है। हमको इसी तरह हमेशा साथ रहना चाहिए और एक बड़ा परिवार बनकर। पर मुझे डर है ये काम नहीं करेगा। लेकिन क्यों? मुझे माफ करो, मुझे बस अकेला रहने दो। माँ रुको, आप कहाँ जा रही हो? माँ क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? बेटा हम एक परिवार की तरह नहीं रह सकते, तुम्हें अब अपनी बहन को गुड बाय कहना होगा। क्या, क्यों? मुझे दूसरे शहर में जॉब का ऑफर मिला है और हम कुछ ही घंटों में वहाँ जा रहे हैं। ये नामुमकिन है, ये सच नहीं है। मुझे माफ करना बेटा, लेकिन हम जल्दी घर जाएंगे बैग पैक करने, तुम्हें अपनी बहन को गुड बाय कहना होगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास एक बुरी खबर है, हम फिर से अलग हो रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? माँ को दूसरे शहर में जॉब ऑफर हुई है और हम आज ही जा रहे हैं। क्या? नहीं। आप क्यों परेशान हो, आपको तो क्रिस्टी से नफरत है। क्या बकवास है, मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ, वो वैसे बहुत अच्छी औरत है। यहाँ पे एक मौका है, अगर वो दोनों एक हो जाए तो माँ जॉब के लिए नहीं जाएंगी और हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। हाँ बिल्कुल, एक दिल हम दोनों के लिए। हम लोग अब कभी बहस नहीं करेंगे। ओके, अब हमें सिचुएशन को संभालना होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी माँ अच्छी है तो आप प्लीज उन्हें जाने मत दो।
मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ, प्लेन को रुका दूँ? उसे डेट पर आने के लिए कहो, दिखाओ कि आपको इंटरेस्ट है उसमें। मुझे पता ही नहीं कि किसी को डेट पर कैसे ले जाते। ओ, हमेशा की तरह हम सब कुछ ठीक कर देंगे। आपने हमें नहीं देखा। वाओ, मेरे लिए इस डेट की व्यवस्था भला किसने की? मैंने अरेंज किया है ये सब कुछ। तुम अभी भी गोरिल्ला के सूट में हो, कितना फनी है ना ये। ये तुम्हारे लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। वो एक साथ बहुत प्यारे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा। मुझे नहीं पता, मुझे यकीन नहीं। उन्होंने इतनी बार बहस करी है कि मुझे तो विश्वास नहीं। मुझे माफ करना, मुझे जाना पड़ रहा है। वैसे लड़कियों को एक साथ रहने की जरूरत है। नहीं 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 नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर भी तो सब कुछ बढ़िया ही है ना। क्या आपको एक बढ़िया चीज देखनी है? ये देखिए। हाँ, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। पगला गए हैं क्या? ये क्या कर रहे हैं वो? देखो जल्दी। क्या? क्या वो लोग किस कर रहे हैं? वाओ। मुझे ही फोन उठाना पड़ेगा, मैं आती हूँ अभी। अरे नहीं, ऑफिस से कॉल आ रहा है। वो इस ट्रिप के लिए राजी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चलो। हाँ, काम तो है, लेकिन मैं उनसे क्या कहूँ कि मैं नहीं जाना चाहती। नहीं, देखो मुझे जवाब तो देना ही होगा। हेलो, रुको, उन्हें कुछ बोलना मत। हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं आपको अभी जवाब देना चाहूंगी। रुको। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, रुक जाओ। शांत हो जाओ, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। तो क्या हम अब एक असली परिवार होंगे? माँ, पापा, प्लीज, हम लोग साथ रहना चाहते हैं। वैसे तुम दोनों यही तो चाहती थी, है ना? हाँ, तुम लड़कियों के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। सच बोलो, हमने आपको किस करते हुए देखा था। तो फिर चलो ठीक है, चलो हम सभी साथ में रहेंगे, है ना? हमें ये एहसास हो गया है कि तुम दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। हुर्रे! तो फिर हमेशा साथ में ना? और अब से हम बेवकूफी भरी बातों पर बहस नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे ज्यादा करीब कोई नहीं है। वो तो पक्का है। इस कमरे को देखो जो मैंने तुम दोनों के लिए बनाया है, क्या तुम्हें पसंद आया? ये कमाल है, मेरे बिस्तर पर सब कितना इंद्रधनुषी है। वाओ, एक गॉथिक स्टाइल का बेड। ये तो बहुत ही डिप्रेसिंग है। थैंक यू मम्मी पापा। You're welcome. और हम तुम्हारे लिए खिलौने भी लाए हैं। हाँ, काला और इंद्रधनुषी। क्रिस्टी, क्या बकवास है ये? मैंने किया। कुछ बताना है तो बता दो मुझे। हाँ, बहुत ही कुछ। देखा तुमने, गॉथिक और पॉजिटिव साथ रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर हमारे पास एक दिल है तो क्या फर्क पड़ता है कि हम कितने अलग हैं? हम दोनों के लिए। और एक परिवार। हाँ बिल्कुल। दोस्तों, आज हमने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के साथ एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे।
जैसा कि हमें याद है, हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं ईवा और किटी, और वो एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। तो दोस्तों, आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया? आपको कौन सी इमेज ज्यादा पसंद आई, किटी या ईवा की? वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और मैं शायद ईवा के करीब हूँ। वो बहुत खुश, पॉजिटिव और ब्राइट है। ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास उसका 50% ही है। मुझे किटी का स्टाइल ज्यादा पसंद है, लेकिन ईवा का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा है इस सीरीज में। हाँ, क्रिस्टी भी अलग है, मुझे लगता है अलग है वो। ऐसी पागल लड़की। पागल तो है नहीं, नहीं औरत बोलो। थोड़ी बहुत हो सकता है। और तुम्हारे बारे में क्या नैट? मैं तुम लड़कियों को सुन रहा था, मुझे समझ नहीं आया बीच में क्या हो रहा है। वैसे देखा जाए तो मुझे ईवा ज्यादा पसंद है, उसका जो कैरेक्टर है यहाँ से वहाँ हर जगह मचलता ही रहता है और वो सच में बढ़िया है। लाइफ में अपना कैरेक्टर कैसे डिस्क्राइब करोगे? हाँ? क्या तुम रियल लाइफ में ईवा या किटी की तरह हो? हम एक दूसरे के बारे में तो बात कर सकते हैं, ये कैसा रहेगा? हाँ, ऐसा करते हैं, चलो एक दूसरे के बारे में बताते हैं। सही कह रहे हो। कौन किससे ज्यादा मिलता है? वैसे एलिस की असली पर्सनालिटी ईवा की तरह लगती है, रियल ईवा से मिलती जुलती है। मुझे लगता है कि हमारे पास किटी जैसा कोई भी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कोई यहाँ ना हर कोई बहुत दयालु और खुश मिजाज है। हमारी पूरी टीम जो क्रेजी करके बहुत ही ज्यादा खुशहाल रहती है और बहुत मुझे पता है क्या लगता है, हम सभी कहीं ना कहीं ईवा की तरह हैं, लेकिन हर किसी में थोड़ी सी किटी होती जैसे है। थोड़ी बहुत किटी की तरह हो ना। बस थोड़ी। वैसे कुछ लोगों में दूसरों से ज्यादा किटी है, सब में क्रिस्टी, कुछ परसेंट क्रिस्टी भी, हर एक में एक थोड़ी सी क्रिस्टी भी है। तो दोस्तों कमेंट में हमें बताओ कि कौन सा स्टाइल आपको सबसे बढ़िया लगता है, जैसे किटी, ईवा या फिर शायद क्रिस्टी, या शायद मेरा, मैं बेवकूफ थी। या शायद मेरा। खैर बहुत सारी चॉइसेस हैं। हाँ हाँ दोस्तों, देखने के लिए शुक्रिया। हमेशा की तरह हमारे चैनल टिकटॉक, इंस्टाग्राम सब्सक्राइब करें। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा तो टाइम आ गया है, देखो ब्लू। तुम ये सब कैसे जानती हो? सीक्रेट है, उसे ये पसंद पसंद है। क्या बताओ तो। बढ़िया है। प्लीज अपनी माँ का तो ख्याल करो। हेलो। उसे डेट पर आने के लिए बोलो, दिखाओ कि तुम इंटरेस्टेड हो। सीधे जाके तो बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ ये सब मैं। चलो चलो।